हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कली वाला सलवार की कटिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा 2.25 मीटर कपड़ा है, इसमें हम कली वाले सलवार की कटिंग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट है, 40 इंच लंबाई है और 45 इंच बेल्ट है और 13 इंच मोहरी है। सलवार की कटिंग करने के लिए 3 नाप लेना ज़रूरी होता है, लंबाई, बेल्ट और मोहरी, ये 3 नाप से सलवार की कटिंग होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम कपड़ा इस तरह से 2 फोल्ड में कर लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह 4 लेयर में फोल्ड करेंगे इसको। तो यहाँ पे इस तरह से 4 लेयर में फोल्ड करेंगे इसको। यहाँ से एक बराबर हमको इस तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से 4 लेयर में हम फोल्ड कर लिए हैं। ये देखिए, ये फोल्ड किए हैं तो ये खुला एरिया इस साइड आ गया, ये बंद एरिया अपने तरफ आया है। उसके बाद यहाँ से हम 7 इंच ऊपर बेल्ट का इसमें से माइनस कर देंगे, पूरा लंबाई का निशान नहीं लगाएंगे। इसमें हम 7 इंच जो है बेल्ट का ऊपर के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारा 40 इंच है। तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई का लेके यहाँ 1/2 इंच ऊपर हम सिलाई का मार्जिन इस तरह से लगा दिए 1/2 इंच यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच नीचे लेंगे तो यहाँ पे हम 40.5 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1/2 इंच ये हो गया और ये 1/2 इंच नीचे से, तो इसमें 1 इंच मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे 7 इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा 40.5 इंच पे हो गया है। उसके बाद लंबाई का निशान, उसके बाद यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी हमारा 13 है तो 13 का 1/2 होता है 6.5, तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से तिरछा कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से देखिए 6.5 इंच लिए हैं, उसके बाद इसमें 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं। उसके बाद इतना हम इस तरह से क्रॉस में कटिंग कर देंगे इसको। ये पार्ट की कटिंग होती है। तो यहाँ पे ये पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे सेंटर पे। तो सबसे पहले पार्ट की कटिंग की है, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमारा 45 इंच है तो 45 का 1/2 करेंगे। यहाँ से इसको 1/2 करेंगे इस तरह से। तो यहाँ ये मेरा 22.5 पे आएगा। ये देखिए, 45 का 1/2 22.5, तो हमको 22.5 इंच का बेल्ट निकालना है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 21 इंच है, इसमें हमको जोड़ लगाना है। तो इसको हम वो जो 7 इंच हम छोड़े थे बेल्ट के लिए सलवार की कटिंग में, तो उसको हम यहाँ पर 2 इंच इसमें मार्जिन लेंगे जो नेफा के लिए मोड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये हम यहाँ पे 9 इंच पे कटिंग करेंगे, इसको 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये 7 इंच बेल्ट का हो गया, इसमें 2 इंच होल्ड करने का, तो ये 9 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से भी इस तरह से, यहाँ से 9 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद इसको इस निशान में मिला देंगे इस तरह से। अब इसको काट लेंगे। तो ये हमारा 21 इंच है, इसमें हमको 2 इंच कपड़ा जोड़ना पड़ेगा यहाँ इस साइड, इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ बेल्ट के पार्ट की कटिंग हो गई, हम कली की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा मेरा, इसको इस तरह डबल फोल्ड में कर लेंगे।
ये बहुत ही आसान तरीका, एकदम सिंपल तरीका है सलवार की कटिंग करने का। आप अपने घर में आसानी से इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आसानी से अपने घर में सलवार की कटिंग करके और स्टिचिंग कर सकते हैं एकदम आराम से। तो यहाँ पर कली की कटिंग करने के लिए इस तरह से हम कपड़ा दो लेयर में बिछा लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसमें भी 7 इंच निकाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 45 पे निशान लगाएंगे उस तरह से। और उसके बाद यहाँ से भी 7 इंच इस तरह से 7 इंच निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 15 इंच पे इस तरह आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 15 इंच पे लगाएंगे आसन के, उसमें 1/2 इंच हम सिलाई मार्जिन रखे हैं। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर इसको इस तरह से निशान लगा देंगे यहाँ पर इस तरह क्रॉस में करके। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह यहाँ से थोड़ी सी इस तरह गोलाई दे देंगे यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी। उसके बाद एक कली कट गई है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मेरा एक बराबर है। इस तरह इसको बिछाएंगे, उसके बाद यहाँ से जो बढ़ रहा है इसमें थोड़ा सा इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से बराबर करके। फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कली भी कट गया है। उसके बाद इसी तरह से मैं आपको आसान से आसान तरीके की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ से कली अलग कर लिए और यहाँ से हम पार्ट अलग कर लेंगे। तो यहाँ से अलग कर लिए हैं पार्ट को। तो यहाँ पे ये मेरी कली हो गई और ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये मेरा कली वाला सलवार की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे ये देखिए ये बेल्ट है। ये पार्ट हो गया और ये कलियाँ हो गई और ये बेल्ट हो गया। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।